सुप्रभात छात्रों, ज्ञान सरोवर की अगली कहानी है बुद्धि का बल। हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था बुद्धि सबसे बड़ी चीज होती है, यानी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति, हमने पढ़ा था, किसी को राजा बना सकता है। बुद्धि किसी को राजा बना सकती है, किसी को भिखारी बना सकती है, उच्च पद पर आसीन करा सकती है और उसे उस पद से हटा भी सकती है। तो यहाँ भी एक छोटी सी कहानी है कबूतर और कबूतरी की, जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर असहाय होते हुए भी एक जहरीले सांप को मरवा कर अपना परिवार को बचा लेती हैं। तो ये कहानी इसी से संबंधित है। कहानी में लिखा हुआ है, गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। वहां पर एक विशाल बरगद का पुराना वृक्ष था, बरगद यानी बट वृक्ष, और उस वृक्ष की एक डाल पर कबूतर का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उसी वृक्ष की खोखल में बरगद के वृक्ष में खंडर होता है, और छोटे से खंडर, छोटे हो या बड़े हो, जिसको हम दूसरे शब्द में कोटर भी कहते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे खंडरों में, छोटे छोटे कोटरों में पक्षियां घोंसला बनाती हैं या वहां सांपों का भी डेरा होता है। काले सांप के बारे में लिखा हुआ है कि वह बहुत विषैला और भयंकर भी था, और हमेशा ही उस पेड़ पर रहने वाले कबूतर के बच्चों को वह खा जाया करता था। एक दिन रक्षा का उपाय ना देखकर कबूतरी ने दुखी होकर कबूतर से कहा कि हमें इस वृक्ष को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा यह काला दुष्ट सांप हमारे बच्चों को खा जाता है और हमारे पास स्वयं की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। कबूतरी की चिंताजनक बातों को सुनकर कबूतर अत्यधिक चिंतित हो गया और उसके मन में अचानक एक विचार आया, और उसने अपने कबूतरी को सांत्वना देते हुए, आश्वासन देते हुए कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमने दुष्ट सांप के कई अपराध सहन किए हैं, अब हम बदला अवश्य लेंगे, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और कबूतर के आत्मविश्वास से भरे इन बातों को सुनकर कबूतरी को अत्यधिक आश्चर्य होता है, क्योंकि वह जानती थी कि कबूतर भी असहाय है और असहाय पक्षी, निर्मम पक्षी अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसने कबूतर से कहा कि सांप बहुत शक्तिशाली है, विषैला भी है, बड़ा भी है, आप उसका सामना किस प्रकार करेंगे, यह अत्यधिक कठिन कार्य है। कबूतर ने कहा कि गंगा के किनारे प्रतिदिन राजा का पुत्र अपने रक्षकों के साथ स्नान करने के लिए आता है, और स्नान करने के पहले वह अपने वस्त्रों के साथ साथ अपने गले का हार भी उतार कर पत्थर पर रख देता है। जब राजकुमार नदी में स्नान करने के लिए आएगा और अपना हार उतार कर पत्थर पर रखेगा, तो मैं अपनी चोंच से उसे दबाकर सांप के कोटर में, खोखल में डाल दूंगा, और राजकुमार के रक्षक सैनिक उस हार को ढूंढते हुए खोखल के पास पहुंचेंगे, और वहां जब वे सांप को देखेंगे तो अवश्य उसे मार डालेंगे। और कबूतर की इस योजना को सुनकर कबूतरी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, उसने कबूतर की सराहना की और उसको उत्साहित किया, उसका प्रोत्साहन बढ़ाया, और इस तरह योजना के अनुसार दोनों कबूतर और कबूतरी योजना को सफल बनाने के लिए, अपने उपाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने लगे। अगले दिन जब राजकुमार सैनिकों के साथ गंगा के किनारे आया और अपने वस्त्र तथा आभूषण पत्थर पर रखे, तो जैसे ही वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, कबूतर तुरंत हार को अपनी चोंच में लेकर वृक्ष के पास आया और खोखल में डाल दिया। हार की खोज करते हुए सैनिक उसका पीछा करते करते वृक्ष के पास आए और उन्होंने खोखल में एक काले सांप को देखा और उन्होंने हथियारों के साथ उसे मार डाला और हार लाकर राजकुमार को सौंप दिया। और इस तरह असहाय होने के बावजूद भी, कमजोर होने के बावजूद भी, कबूतर ने अपने बुद्धि के बल पर
जैसे पिछले पाठ में भी हमने पढ़ा था, बुद्धि सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी बुद्धि के बल पर उस दुष्ट सर्प से बदला ले लिया और उसने योजना, अपनी योजना के तहत योजना बनाने के बनाते समय भी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने विवेक का प्रयोग किया और उसी योजना के तहत वह काला सांप मारा जाता है। और इस तरह कबूतर और कबूतरी काले सांप के मर जाने के बाद निश्चिंता पूर्वक सुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगे। साथ ही साथ वहां रहने वाले कई पक्षियों ने भी कबूतर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सभी उस बरगद के वृक्ष पर प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह हमने इस कहानी से सीखा कि यदि हम अपनी बुद्धि का, छोटी सी ही बुद्धि क्यों ना हो, हम उस छोटी सी बुद्धि का ही प्रयोग करें सकारात्मक सोच के साथ, तो हम हर कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।